तो मैं बता रहा था हमारे टूथपेस्ट में 25 जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, कौन कौन सी जड़ी बूटियों के नाम हम स्क्रीन पे नीचे लिख देंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे? अरे ऊपर नीचे की टेंशन छोड़, तू हमारे एड के बारे में सोच। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को टूथपेस्ट हाथ में लेकर बता रहा है। टूथपेस्ट डॉक्टर का है या पेशेंट का? डॉक्टर का, क्योंकि वो भी हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। वो तो ठीक है, पर टूथपेस्ट क्लिनिक में क्यों लेकर आ गया? घर के बाकी लोग टूथपेस्ट ढूंढ रहे होंगे। मेरे भाई, हम सिर्फ एड में इतना बताएंगे, इस टूथपेस्ट से सांसों में ताजगी आती है। टूथपेस्ट तो मुंह में यूज करेंगे, सांस नाक से लेंगे, मुंह की ताजगी नाक में कैसे जाएगी? अरे तू सिर्फ दांत पे फोकस रख, ये दांतों से कीटाणुओं को निकालता है। और परमाणु को? अरे परमाणु का मुंह में क्या काम? परमाणु और कीटाणु का नाम सेम है, मुझे लगा रिलेटिव होंगे। अबे रिलेटिविटी, टूथपेस्ट के बारे में बताना है। टूथपेस्ट के बारे में तो डॉक्टर बताएगा ना। पर डॉक्टर को तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या बताना है। मतलब क्लाइंट हमें बताएगा, हम डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर पेशेंट को बताएगा, सब एक दूसरे को बताएंगे तो टूथपेस्ट कब यूज करेंगे? बस नहीं, मेरा दिमाग, मेरा सर। अरे उठ ना, तू मुझे नहीं समझा पाया तो डॉक्टर को कैसे समझाएगा? अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा इन क्लाइंट्स को डेटा कौन देता है?